हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं बच्चों? प्यारे बच्चों, आज हम लोग टॉपिक शुरू करेंगे एब्सेंस ऑफ सप्लाई कर्व, नो सप्लाई कर्व इन मोनोपोली मार्केट। जैसा आप जानते हो, परफेक्ट कंपटीशन के अंदर एक यूनिक सप्लाई कर्व होता है, मोनोपोली के अंदर सप्लाई कर्व नहीं होता है। तो बेटे, मोनोपोली के अंदर अगर हम बात करेंगे, नो सप्लाई कर्व अंडर मोनोपोली या एब्सेंस ऑफ सप्लाई कर्व को हम कैसे समझेंगे? बेटे, सबसे पहले तो अ मोनोपोली फॉर्म हैज नो वेल डिफाइंड सप्लाई कर्व। मोनोपोली फॉर्म का कोई वेल डिफाइंड सप्लाई कर्व नहीं होता है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, अंडर परफेक्ट कंपटीशन शॉर्टर मार्जिनल कॉस्ट कर्व अबव द शटडाउन पॉइंट इन द सप्लाई कर्व विच शोज अ यूनिक रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। देखो बेटे, परफेक्ट कंपटीशन के अंदर सप्लाई कर्व होने का रीजन क्या है? क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर यूनिक रिलेशनशिप है प्राइस और क्वांटिटी के बीच में। बेटे, परफेक्ट कॉम्पिट पहली बात तो मोनोपोली के अंदर कोई यूनिक सप्लाई, मोनोपोली के अंदर सप्लाई कर्व एब्सेंट है, इन एब्सेंस ऑफ सप्लाई कर्व हम लोग पढ़ते हो मोनोपोली में। दूसरी बात, परफेक्ट कंपटीशन में सप्लाई कर्व है और उसका रीजन क्या है? बेटे, रीजन है यूनिक रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी इन परफेक्ट कंपटीशन। अंडर मोनोपोली देयर इज नो सच वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। मतलब प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई के बीच में कोई यूनिक रिलेशन नहीं होता है। कौन से मार्केट के अंदर? मोनोपोली मार्केट के अंदर। यही रीजन है कि मोनोपोली मार्केट के अंदर सप्लाई कर्व गिवन नहीं होगा। इसे हम दो केसेस के थ्रू समझ सकते हो। पहला केस क्या है? सेम क्वांटिटी होगा, प्राइस अलग अलग होंगे। दूसरा केस क्या है? सेम प्राइस पे अलग अलग क्वांटिटी होगा। ये दो केसों को हम लोग समझते हैं अलग अलग करके। तो फर्स्ट केस में लाता हूं। पहले केस में हमने क्या देखा? सेम क्वांटिटी एट टू डिफरेंट प्राइस, अलग अलग प्राइस के ऊपर सेम क्वांटिटी होगा, सेम क्वांटिटी एट टू डिफरेंट प्राइस। दो अलग अलग प्राइस के ऊपर जो आपका क्वांटिटी रहने वाला है वो सेम रहने वाला है। इसके लिए आपको क्या करना होगा? आपको दो डिमांड कर्व लेना होगा। सपोज करिए, डिमांड कर्व ए जो है वो इलास्टिक डिमांड है और डिमांड कर्व बी जो है वो इन इलास्टिक डिमांड कर्व है। ए डिमांड कर्व इलास्टिक है और बी डिमांड कर्व इन इलास्टिक डिमांड कर्व है। अब प्यारे बच्चों, चीजें समझना आप, मैं ये डायग्राम मिटाता हूं, दोबारा आपके साथ बनाऊंगा। आप लोग मेरे साथ ट्राई करिए डायग्राम बनाने के लिए, ज्यादा अंडरस्टैंडिंग अच्छा होगा। यहां से डायग्राम के अंदर हमें ऐसे शो करना है जहां पर ए डिमांड कर्व ज्यादा इलास्टिक हो, बी इन इलास्टिक हो। तो देखो बेटे, हमने दो एक्सिस बनाया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ऑन दिस एक्सिस विल टेक कॉस्ट एंड रेवेन्यू। आप इस एक्सिस पर कॉस्ट लेंगे और रेवेन्यू लेंगे, है ना। इस एक्सिस पर हम आउटपुट यानी क्वांटिटी लोगे। ए डिमांड कर्व जो बनाना वो इलास्टिक बनाना, तो इलास्टिक डिमांड कर्व कुछ ऐसे बना लेंगे आप। ये ए आर कर्व, ये प्यारे बच्चों एम आर कर्व, ए आर ए का, एम आर ए का। जो बी बनाना वो इन इलास्टिक बनाना। देखो बेटे, इलास्टिक का मतलब होता है, अगर परफेक्टली इलास्टिक की बात करूंगा तो ऐसा कर्व होगा, परफेक्टली इन इलास्टिक का बात करूंगा तो ऐसा कर्व होगा। तो इलास्टिक के अंदर आप जो डायग्राम बनाएंगे वो थोड़ा सा ऐसे बनाएंगे और इन इलास्टिक के अंदर डायग्राम जो बनाओगे वो इस तरीके से आप बनाएंगे। तो इलास्टिक डिमांड कर्व, इलास्टिक डिमांड कर्व हमने ए आर ए, एम आर ए बनाया। ये डिमांड कर्व किसके लिए है? फॉर्म ए के लिए है। दूसरे के लिए हमने कैसा लेना? इन इलास्टिक लेना। तो इन इलास्टिक के अंदर ए आर बी और प्यारे बच्चों ये एम आर डी। ठीक है, यहां तक मामला समझ आ गया आप लोगों को। अब हमें क्या करना? देखो, दोनों मार्जिनल रेवेन्यू जहां पर इंटरसेक्ट हो रहा है, एम आर बी और एम आर ए, वहां से आप कॉस्ट कर्व लेकर चलो। मार्जिनल कॉस्ट कर्व आप वहां से लेकर चलो, क्योंकि हमें
कंडीशन क्या बनाना, केस क्या बनाना, सेम क्वांटिटी रखना है एट टू डिफरेंट प्राइस, दो अलग अलग प्राइस के ऊपर हमने क्वांटिटी क्या रखना है प्यारे बच्चों, सेम क्वांटिटी लेके चलना है। तो आप मार्जिनल कॉस्ट को इंटरसेक्ट कराना मार्जिनल रेवेन्यू से और उस पॉइंट पे कराना जहां पर दोनों ही फर्मों के मार्जिनल रेवेन्यू इंटरसेक्ट हो रहे हो। MRA MRB इंटरसेक्ट है कहां पे, MC से, ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है। एज यू नो प्राइस का जो डिटर्मिनेशन होता है वो डिटर्मिनेशन एवरेज रेवेन्यू कर्व से होता है। तो अगर मैं फॉर्म ए के फॉर्म बी के लिए प्राइस का डिटर्मिनेशन करूं तो फॉर्म बी का प्राइस कुछ इस तरीके से और क्वांटिटी ये रहेगा। फॉर्म बी के लिए बेटे इक्विलिब्रियम पॉइंट से हमने क्वांटिटी लेना है, ये क्वांटिटी आ गया, और AR कर्व से आप प्राइस लेंगे, ये प्राइस आ गया। ऐसे ही फॉर्म बी के लिए यही इक्विलिब्रियम है, लेकिन प्राइस का डिटर्मिनेशन कहां से होता है, AR से। तो ये प्राइस बी फॉर्म के लिए, ये प्राइस ए फॉर्म के लिए। तो आप देख सकते हो को यहां पर डिमांड सप्लाई का कोई यूनिक रिलेशन नहीं बन पा रहा है। आप देखिए यहां पे, तो बच्चों इलास्टिक डिमांड कर्व जहां पर है वहां पर प्राइस लेस है। इलास्टिक डिमांड के केस में प्राइस क्या है बेटे, कम है, और इन इलास्टिक डिमांड कर्व के केस में प्राइस क्या है, ज्यादा है। यहां पर कोई यूनिक रिलेशन नहीं बना प्राइस में और क्वांटिटी सप्लाइड में, इसलिए हम यहां पर सप्लाई कर्व नहीं बना सकते हो। ठीक है, ये चीजें समझ लिया आप लोगों ने। आइए अब बेटे आपसे बात करूंगा केस सेकंड का, जहां पे प्राइस तो सेम रहेगा और क्वांटिटी डिफरेंट रहेगा। अभी जो मैंने केस डिस्कस किया वहां पर क्वांटिटी क्या था, सेम था, बट प्राइस क्या थे, दोनों के डिफरेंट थे। अब जो हम केस डिस्कस कर रहे हैं वहां पर सेम प्राइस है बट क्वांटिटी क्या है, यहां पर डिफरेंट क्वांटिटी है। अभी हम ये डिस्कस करने जा रहे हो, तो देखिए इसमें हम लोग डायग्राम के थ्रू इस चीज को कैसे प्रूव करेंगे। बेटे अलग अलग दो डिमांड कर्व लिया, सपोज करिए ये कस्टमर ए का एवरेज रेवेन्यू कर्व है, या किसी एक मार्केट का एवरेज रेवेन्यू कर्व है, ये कस्टमर ए का मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है। ऐसे ही बेटे कस्टमर बी का ये एवरेज रेवेन्यू कर्व है और कस्टमर बी का ये मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है। हमें क्या करना है, यहां पे प्राइस एक सेम लेना है, ले लिया हमने सेम प्राइस। ठीक, अब आप जानते हो, सभी बच्चे जानते हैं कि किसी भी फॉर्म के प्राइस का डिटर्मिनेशन कहां से होता है, एवरेज रेवेन्यू कर्व से। तो मैंने एवरेज रेवेन्यू बी पॉइंट पे भी और एवरेज रेवेन्यू ए पॉइंट पे भी टिक मार्क कर दिया, तो ये क्वांटिटी बन गया ए के लिए, और ये बेटे क्वांटिटी बन गया किसके लिए, बी के लिए। अगर मैं इक्विलिब्रियम की बात करूं तो इक्विलिब्रियम वहां पर आता है जहां पर प्यारे बच्चों मार्जिनल रेवेन्यू इंटरसेक्ट होता है मार्जिनल कॉस्ट से। तो इक्विलिब्रियम की बात करूंगा तो मार्जिनल रेवेन्यू इंटरसेक्ट किसके साथ होना चाहिए, मार्जिनल कॉस्ट के साथ। ठीक है, तो मार्जिनल कॉस्ट कर्व आप बनाएंगे यहां से। आप देखो इक्विलिब्रियम पॉइंट बी का ये माना जाएगा और इक्विलिब्रियम पॉइंट ए का ये माना जाएगा, ठीक है ना। और यहां से आप मार्जिनल कॉस्ट कर्व यू शेप्ड बना लेंगे, ऐसे मार्जिनल कॉस्ट कर्व दोनों मार्केट के लिए कॉमन हो जाएगा। तो ये केस सेकंड था, और केस सेकंड में हमने ये देखा कि प्राइस तो सेम रह गया और क्वांटिटी क्या रह गया, अलग अलग रह गया। तो आप देखो अंडर मोनोपोली देयर इज नो सच वन टू वन रिलेशन, वन टू वन कॉरेस्पॉन्डिंग रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई, इसलिए मोनोपोली मार्केट के अंदर कोई यूनिक सप्लाई कर्व नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। आप से मिलता हूं अगले वीडियो में, अगले क्लास में। थैंक यू।